Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hey guys, kaise ho sab log? I hope you guys are doing fine. And the Hindu newspaper analysis session, this happens regularly from 10:30 to 11:15. आज ट्यूसडे का दिन है 17th ऑफ मे एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. गाइस दिल्ली एडिशन मैंने लिया हुआ है एंड देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के दिन. बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूज़ ए क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट हाउ दिस सेशन हेल्प्स यू एंड अबाउट मी एंड एन एकेडमी लिटिल एंड देन हम क्विकली स्टार्ट कर लेंगे एनालिसिस सेशन. ठीक है गाइज. So the Hindu newspaper analysis session, it happens regularly and Monday to Sunday. अभी मैं पूरे 7 दिन ले रही हूँ ये मंथ तो. So ये सेशन सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए तो डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. बट इसके अलावा इन केस इफ यू गाइज आर प्योरिंग फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक UPSC और बैंकिंग एग्ज़ाम तो भी आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा. तो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स को तो इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स सभी कुछ प्रिपेयर करने में, तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा. बट इफ़ यू गाइस आर प्योरिंग फॉर UPSC बैंकिंग ऐसा कोई अदर एग्जाम तो करंट अफेयर्स के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो करंट अफेयर्स तो ऐसी चीज़ है जो रोज़ अपडेट करनी ज़रूरी है. न्यूज़पेपर से बेटर सोर्स क्या हो सकता है करंट अफेयर्स अपडेट करने का. करेक्ट गाइज. सो आप लोग को मेक श्योर करना है दैट आप लोग सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी सेशन मिस ना करो. तो रोज़ करंट अफेयर्स अपडेट करने बड़े ज़रूरी हैं. एक साथ जमा करके याद नहीं रहते, पढ़ नहीं सकते हो तो इसलिए रोज़ अपडेट कर लिया करो, आसानी से याद हो जाएगा एंड आप हमेशा हमेशा अपडेटेड रहोगे. तो इसके लिए एक सिंपल सा ये काम कीजिए. इसके अलावा मैं और एक चीज़ चाहती हूँ आप लोगों से, शेयर करो ये क्लास गाइस, जितना हो सके उतना शेयर करो ये क्लास. इट्स अ फ्री क्लास, लेट एवरीबडी गेट द बेनिफिट ऑफ इट. आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स जो भी है सबके साथ शेयर करो. तो शेयर बटन वहाँ पे है, क्लिक ऑन इट, पुट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, बट इट एवरीवेयर. ओके चलिए तो ये कीजिए आप लोग फटाफट से क्लास शेयर. मीन वाइल मैं फटाफट से थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी मेरा और अन एकेडमी का. तो गाइज आप किससे पढ़ रहे हो वो जान लीजिए. अब गाइज आई एम निधि ध्रुव, आई एम लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज. I'm still associated with CSN Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CSN Cost Accountant students also. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. An Academy, ये जो आप logo देख रहे हो, ये platform आज की तारीख में सबसे बढ़िया वाला platform है, guys. An Academy learning app को download कीजिए from your Play Store or App Store. And start using it. An Academy पे आपको दो टाइप के क्लासेस देखने को मिलेंगे, फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस. तो पहले कुछ दिन आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो. फ्री क्लासेस को हम An Academy पे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं. तो पहले कुछ दिन स्पेशल क्लासेस अटेंड कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट क्विजेज हैं वो अटेंड कीजिए एंड देन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको प्लेटफॉर्म का कैसा लग रहा है खुद ही जज कीजिए, खुद ही देखिए. अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है फिर जाके आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच सकते हो. करेक्ट. अच्छा, पहली बार जब भी An Academy लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे ना गाइज तो आपको कोई भी फ्री फीचर, मॉक टेस्ट क्विज या क्लास, जो भी पहला फ्री फीचर आप अनलॉक करते हो तो तभी आपको फ्री फीचर अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे. यू कैन यूज़ माई कोड निधि लाइव एट दैट टाइम. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ निधि लाइव, ये कोड वो यूज़ कर लेना फॉर अनलॉकिंग फ्री फीचर. फिर अगर एक्सपीरियंस पूरे प्लेटफॉर्म का अच्छा लगता है तो आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो.
दो टाइप्स के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं फॉर सिलेबस कंप्लीशन प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस इज़ द बेसिक वन, आइकॉनिक इज़ एन अपग्रेडेड वन. ठीक है, और वन मोर सब्सक्रिप्शन वी हैव अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो प्लस बेसिक वन है, आइकॉनिक इज अपग्रेडेड वन है. आइकॉनिक में आपको फिजिकल नोट्स, वन ऑन वन मेंटर सेशंस, रेज हैंड करने में प्रायोरिटी इन द क्लासेस ये मिलेगा. तो बेसिकली वंस यू जॉइन द टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू अटेंड दीज बैचेस. ठीक है, ये बैचेस अटेंड कर पाओगे जिसमें एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको एक एक एजुकेटर प्रॉपरली करवा देंगे. तो कल से क्लास 2023 एस्पिरेंट के लिए 18 मई से एक बैच चालू हो रहा है. एंड 20 तारीख से फ्राइडे से 2022 एस्पिरेंट के लिए एक बैच चालू हो रहा है. ठीक है, तो हर वीक हम नए नए बैचेस लाते हैं सो दैट आप कोई भी जब भी सब्सक्रिप्शन लें उनके नए बैचेस अवेलेबल हो. ठीक है, एंड दीज आर द प्राइजेस फॉर द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ गाइज, प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. बट प्राइजेस वेरी सून इट्स इंक्रीजिंग. अच्छा, आप जब भी कोई भी टाइम पे सब्सक्रिप्शन लो मेरा कोड निधि लाइव ये यूज़ करके आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा याद रखिए, निधि लाइव ये कोड करके आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो मत भूलिएगा यूज़ करना. अच्छा, 20 तारीख से प्राइस हाइक आ रहा है 20% जितना. तो दीज विल बी द प्राइजेस देन, बट एट प्रेजेंट ओके 19 तारीख तक मतलब थर्सडे तक 35% ऑफ ऑन करंट प्राइस चल रहा है. आप समझ लो एग्जिस्टिंग प्राइस जो लिखा है वो स्ट्राइक डाउन किया है वो है, उसके ऊपर 35% ऑफ चल रहा है जो कम है, और फिर नॉर्मल प्राइस के ऊपर भी 20% हाइक आने वाला है. तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है अभी आप देख लीजिए. 19 तारीख तक सब्सक्रिप्शन जिसका बाकी है 2023 एस्पिरेंट वगैरह ले लीजिए. ठीक है, तो जल्दी ये कीजिए, इतने अमाउंट सेव करोगे. दिस इज़ फॉर द प्लस एंड दीज प्राइजेज ऑफ द आइकॉनिक. इसके टाइम कभी भी दोनों टाइम आप कौन सा कोड यूज़ करोगे याद रख लो, निधि, मेरा नाम है निधि, एंड इसके पीछे लाइव लगा दो बिकॉज आप मुझे रोज़ लाइव देखते हो, जो रिकॉर्डेड देखते हो वो भी निधि लाइव ही लगाना. ठीक है, तो निधि लाइव ये कोड यूज़ कर लीजिए. ठीक है, एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए क्लैरिटी नोट्स हम लॉन्च करें 20 तारीख से. 20 तारीख से प्राइस भी बढ़ रहा है तो 20 तारीख थोड़ा खास है. क्लैट नोट्स, ई नोट्स 20 तारीख से हैं, सबको मिलेगी. फिजिकल नोट्स हम जुलाई तक ऑलमोस्ट देंगे, डिलीवर कर पाएंगे. जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो वो दिसंबर 22 एस्पिरेंट्स को मिलेगी. दैट इज क्लैट 23 इज दिसंबर 2022 एस्पिरेंट. या एंड दिस वीक स्पेशल क्लास सीरीज ये वाला चल रहा है. स्पेशल क्लासेस आर बेसिकली एकदम फ्री वाले क्लासेस, इट्स बिल्कुल फ्री 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 फ्री. एंड ये अटेंड करिए. आज 17 तारीख को केशव सर का है 7:30 बजे. एंड अन अकेडमी क्लास इज नाउ ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, प्लीज जॉइन इट फॉर ऑल द अपडेट्स. एंड अन अकेडमी क्लास इज नाउ ऑन जो ये चैनल है जिसपे आप मुझे अभी फ़िलहाल देख रहे हो, हमारी यूट्यूब चैनल, इससे सब्सक्राइब कर लो रोज़ अटेंड करने के लिए सेशन. शेयर करो, लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है सेशन, कमेंट करके भी बताओ कैसा लग रहा है. ठीक है, तो ये सारी बात हो गई इंट्रोडक्शन. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विकली हमारा एनालिसिस सेशन. ठीक है, एक सेकेंड, मेरे को रिफ्रेश करना होगा. ये मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रही है किसी की. ओके, हाय म्यूजिकल द्विवेदी द्विवेदी एंड अंकित मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी ये सेशन एनालिसिस करना. ठीक है, तो 17 मई ट्यूसडे का दिन है. दिल्ली एडिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं. तो स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल राइज अ मस्ट टू फेस इमर्जिंग चैलेंजेस सेज पीएम.
ये मोदी जी लुम्बिनी गए थे गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस पे यस्टरडे, और एकदम राइट ओकेजन लेके जाते हैं। मोदी जी जो करते हैं एकदम मस्त सही करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था कल, और लुम्बिनी जो बुद्ध बुद्धा जी का आई मीन बुद्धा का गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस था वहीं गए, और इंडिया और नेपाल की, नेपाल में बहुत बुद्धिज्म फॉलो होता है, तो इंडिया नेपाल टाइज बढ़ाने का फुल ट्राई किया कि इमर्जिंग चैलेंजेस के को फेस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है करना। इन लुम्बिनी मोदी रिफर्स टू द कॉमन कल्चरल हेरिटेज ऑफ टू कंट्रीज, और कैसे हमारा कल्चरल हेरिटेज क्वाइट सिमिलर है दोनों कंट्रीज का, उसके बारे में बात की। कैसे लोगों को राइट स्पीच देनी है तो मोदी जी को बराबर से आता है। तो दिस इज़ वॉट हैपन। ये चीज़ हम लिखेंगे नहीं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच, ठीक है, और पूरा डिटेल में ये देखने जैसा नहीं है न्यूज़ ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये ज्ञानवापी मॉस्क के रिगार्डिंग है। तो वाराणसी में जो ये ज्ञानवापी मॉस्क है बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। अभी अचानक से अभी क्या हो गया वापस देखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, पूरा वीडियोग्राफी हो रहा था और इंस्पेक्शन हो रहा था मॉस्क का, आधा इंस्पेक्शन तो हो भी गया था अभी मॉस्क का। नाउ पार्ट ऑफ द मॉस्क इज सील्ड ऑन द क्लेम ऑफ लिंगा फाउंड। लिंगा मीन्स शिवलिंग, शिवलिंग मॉस्क के, क्योंकि देखिए ये ज्ञानवापी मॉस्क हिंदूज बोल रहे कि हमारा है और मुस्लिम्स बोल रहे हैं हमारा मॉस्क है, तो इसीलिए इसका इंस्पेक्शन चल रहा है, बराबर है। अभी इसमें शिवलिंग वाटर टैंक के अंदर शिवलिंग पाया गया है, तो ये पाए जाने पे मॉस्क का कुछ हिस्सा सील कर दिया गया है। तो वाराणसी कोर्ट ने ये सील करने का ऑर्डर दिया, इट गिव्स ऑर्डर आफ्टर सर्वे। सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग, गोइंग टू हियर दिस थिंग ऑन टुडे। सो वाराणसी कोर्ट ने ये फैसला दिया, बट सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर इट टुडे। अ लोकल कोर्ट इन वाराणसी ऑन मंडे ऑर्डर दैट अ पोर्शन ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क प्रमाइसेस बी सील्ड आफ्टर लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग 5 हिंदू वेमेन पिटिशनर्स क्लेम्ड दैट, तो जो 5 हिंदू वेमेन पिटिशनर है वो क्लेम करिए कि शिवलिंग फाउंड हुआ इन द अब्लूजन ऑफ वाटर, अब्लूजन वाटर टैंक ऑफ द मॉस्क ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ अ वीडियो इंस्पेक्शन लेड बाय अ कोर्ट कमिश्नर। तो कोर्ट कमिश्नर ने जो वीडियो इंस्पेक्शन कर रहे थे वीडियोग्राफी, तो उसमें एक शिवलिंग पाया गया इन द वाटर टैंक। तो वेमेन पिटिशनर्स के बोलने पे वाराणसी कोर्ट ने फिलहाल तो सील कर दिया है एक एरिया, और मॉस्क के केयर टेकर्स बोल रहे हैं सो सॉरी इट वॉज नॉट अ शिवलिंग बट अ पार्ट ऑफ स्टोन फाउंटेन इन द वाजू खाना अब्लूजन टैंक ऑफ द मॉस्क। तो वाजू खाना में, अब्लूजन टैंक में हमने एक वाटरफॉल रखा था, कुछ शिवलिंग विवलिंग नहीं है ऐसा मॉस्क के केयर टेकर ने बोला। दे सेड दे वुड फाइल एन ऑब्जेक्शन इन द सिविल कोर्ट्स ऑर्डर एंड चैलेंज इन अ हायर कोर्ट द वन साइडेड सीलिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द मॉस्क प्रमाइसिस। तो वन साइडेड मतलब हमें सुने बिना जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट ने सील कर दिया है मॉस्क का एरिया, हम इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ऐसा उनका बोलना था। तो ये एक अपडेट है ज्ञानवापी मॉस्क के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर इट टुडे, लेट्स सी क्या होता है। ये जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपको लिखना है, ठीक है। वंस अगेन वी सी दिस न्यूज़ द सेम लाइक यस्टरडे। ये इसलिए अभी देख रहे हैं बिकॉज फिनलैंड के प्रेसिडेंट यस्टरडे अनाउंस कर चुके थे कि हम नाटो ज्वाइन करने वाले, और उसके लिए नेक्स्ट वीक हम ऑफिशियल एप्लीकेशन देंगे। नाउ उसके एक ही दिन बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन मैग्डालेना एंडरसन, शी ऑल्सो मेक्स एन अनाउंसमेंट, शी ऑल्सो मेक्स नाटो बिड ऑफिशियल, सी इज़ एंटरिंग न्यू एरा, कि हमें ये न्यू एरा में एंटर करने के लिए हमें नाटो ज्वाइन करना है। ऑफ कोर्स स्वीडन और फिनलैंड, हमने कल ही ये देखा था एडिटोरियल में भी,
दे आर स्केर्ड, दे आर सिंपली स्केर्ड नाउ. जिस तरीके से यूक्रेन का हाल किया है अचानक से, तो भी मतलब पता है कि नेटो ज्वाइन करने की वजह से, करना चाहते थे उसके वजह से रशिया ने ये हालत की है. तो स्वीडन और फिनलैंड फिर भी चाहते हैं कि ज्वाइन कर ले, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि अगर हम नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे तो कभी भी इंट्रूड कर देंगे हमारी टेरिटरी में रशिया वाले. तो इवन पीएम हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट अ डे आफ्टर फिनलैंड प्रेसिडेंट डिड सो. दिस इज़ द थिंग. बट हमने कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ देखी थी और आज भी एक न्यूज़ में है, वापस मैंने मार्क कर रखी है, मैं बताऊँगी कि टर्की के प्रेसिडेंट इज़ अगेंस्ट इट. वो नहीं चाहते फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करें नाटो. तो और ऐसा है कि नाटो में यूनानिमस तुम्हें ये चाहिए, वोट चाहिए, मतलब 100% सबको अग्री करना चाहिए, फिर ही वो कंट्री नाटो में ज्वाइन हो सकती है. टर्की तो फिर बिल्कुल डिनाई कर रहा है की हम नहीं करने देंगे, मतलब वी आर अगेंस्ट इट. वो लोग स्वीडन फिनलैंड को नाटो में ज्वाइन होने नहीं देना चाहते हैं. नेक्स्ट वन, आई एम सो सॉरी. इंडोसुल्फान विक्टिम्स के लिए केरला गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में, देखिए जजमेंट में, एक ऑर्डर पास किया था कि हर एक विक्टिम को 5 लाख दिया जाए विद इन 3 मंथ्स. तो अभी तक इसका कोई कोई काम, केरला गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन दिया ही नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट बेंच क्वेश्चंस डिले इन कंपनसेशन के, व्हाई देयर इज अ डिले इन कंपनसेशन. 5 साल हो गए, जो काम 3 महीने में वो किए करने को बोला था वो 5 साल तक ये लोग ने किया नहीं है. जो ये विक्टिम्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए आप पिक्चर में भी ये देख सकते हो कि वो विक्टिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है. 3704 विक्टिम्स हैव बीन पेड कंपनसेशन, सॉरी ओनली 8 ऑफ देम हैव गॉट कंपनसेशन आउट ऑफ 3704. सो 3704 विक्टिम्स में से सिर्फ 8 विक्टिम्स को उन लोगों ने पैसा दिया है. दैट्स जस्ट रिडिकुलस, क्यों पता नहीं. सो ये जो अफेक्टेड थे, एरियल स्प्रे हुआ था, स्प्रेइंग ऑफ एंडोसुल्फान ऑन कैश्यू प्लांटेशन इन कसरगोड. तो उसके जो विक्टिम्स थे ना, उनको ये पैसा देना का फैसला किया है. कितना करप्शन चलता है, आप देखिए. कोर्ट ने नोट किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2 जनवरी 2022 में ऑथोराइज किया था द डिस्बर्सल ऑफ एडिशनल 200 करोड़, बट सिर्फ उसमें से 200 करोड़ में से 5-5 लाख 8 विक्टिम को दिया है. दैट मीन्स 40 लाख. तो 200 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख विक्टिम तक पहुंचे हैं. वेयर इज अदर बिग अमाउंट, वेयर डिड इट गो? करप्शन. और वो भी 8 विक्टिम किसको मिला? जिसने कंटेम्प्ट एक्शंस अगेंस्ट द स्टेट सुप्रीम कोर्ट में किया था कि आपका डिसीजन वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. तो ये कारण उस 8 विक्टिम को भी मिला, बाकी किसी को मिला ही नहीं है. सो ये वाला मैटर भी लिखना है. दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट्स ऑन फ्रंट पेज. और ये सारी हुई हमारी फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज. नहीं, थोड़ी सी बंद हो गया, बंद क्यों नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, एसी के बिना चलता नहीं है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज दिस. एमपी में रिलीजियस कन्वर्जन के अटेम्प्ट पे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है. यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि एमपी में ऑलरेडी देर इज़ अ लॉ फॉर एंटी कन्वर्जन, एंड जो कन्वर्जन करने की ज़बरदस्ती, रिलीजियस कन्वर्जन करवाने की ट्राई कर रहे थे दूसरों का,
तो वैसे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है एमपी में। स्टेट के होम मिनिस्टर ने बोला है कि सच एक्टिविटीज़ आर अंडर स्कैन, और हम लोग बराबर से ध्यान रख के बैठे हैं कौन ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, उनको उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। लिखना नहीं था, सिर्फ ध्यान में रखे ये। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, इज ऑन एडिटोरियल। आई एम सो सॉरी, आई एम योनिंग, आई एम सो सॉरी गाइस। मैंने खुद ने भी अभी देखा हाउ बैडली आई वॉज योनिंग, आई एम सो सॉरी। बट थोड़ा जल्दी उठी है आज, तो मुझे बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन की लाइट से। स्क्रीन की लाइट इतनी आँखों को स्ट्रेन देती है ना, कि ऊपर से कैमरा है और कैमरा की भी लाइट, देन आप लोग प्रॉपरली देख पाओ इसलिए मैं लाइटिंग्स इतना रखती हूँ घर में भी लाइट्स, तो वो सब लाइट से मेरी आंखें स्ट्रेन होती है और ऐसा यॉन हो जाता है। आई एम सो सॉरी, वरना इट्स अ मॉर्निंग टाइम, यह होना नहीं चाहिए। बट ड्यू टू सो मैनी ऑफ लाइट्स मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है रोज़, तो आई एम सो सॉरी फॉर द वे आई एम यॉनिंग, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, अच्छा एडिटोरियल आज ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखेंगे हम लोग क्या है। श्रीलंका के बारे में, तो ये श्रीलंका के नए पीएम जो अपॉइंट किए गए रानिल विक्रमसिंघे, उनके बारे में ये बात हो रही है। हाउ क्राइसिस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है अपना एक नाम कमाने का मिस्टर विक्रमसिंघे के पास, तो वो पूरा हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज श्रीलंका वाला इश्यू इज़ लाइक हॉट केक राइट नाउ, तो ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी। ओके, विक्रम सिंघे मस्ट डिसप्रूव डिट्रैक्टर्स विद क्विक मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। सो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उनको डिट्रैक्टर्स को डिसप्रूव करते हुए क्विक मेजर्स लेने चाहिए फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। द अडेज एवरी क्राइसिस कंटेन्स इन सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कुड नॉट हैव अ ट्रूअर फॉर एनी वन देन फॉर श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे। तो हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी के सीड्स होते हैं, हमें भी ऐसा सिखाया जाता है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे क्राइसिस होंगे तो ही तुमको अच्छा बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये तो विक्रम सिंघे के लिए एकदम एप्ट है अभी, राइट? इट्स क्वाइट ट्रू, जो श्रीलंका के पीएम रनिल विक्रम सिंघे के लिए जितना ट्रू है उतना किसी और के लिए नहीं अभी फिलहाल। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस विद सेट ऑफ इन इनडेफिनिट प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्ष एंड हिज ब्रदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्ष हैज पिच फॉग्ड मिस्टर विक्रम सिंघे टू एन ऑफिस दैट ही हैड नो चांस ऑफ ऑक्यूपाइंग अंटिल लास्ट वीक। तो क्योंकि ऐसे पूरा भाई लोग सारे ब्रदर्स राजपक्ष ब्रदर्स ऐसे कैप्चर करके बैठे थे ऑफिस, विक्रम सिंघे के लिए कोई ऑप्शन चांस ही नहीं था कि वो ऑफिस पीएम के ऑफिस में आए लास्ट वीक तक। बट जिस तरीके के प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग, ओके, जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी फिलहाल अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है बोथ, तो फिर महिंदा राजपक्ष ने तो दे दिया रेजिग्नेशन, बट गोताबाया राजपक्ष अभी तक वो स्टेप डाउन करने के लिए रेडी नहीं है। तो गिवन द टर्मोइल श्रीलंका नीडेड अ गवर्नमेंट दैट वुड वर्क टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी। तो श्रीलंका को एक गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेबिलिटी ला सके और इकोनॉमिक रिकवरी ला सके। विद महिंदा राजपक्ष रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट एंड द अपोजिशन लीडर अनविलिंग टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट गोताबाया, अ रेयर अपॉर्चुनिटी अपॉन अप फॉर मिस्टर विक्रम सिंघे। तो महिंदा राजपक्ष तो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, गोताबाया राजपक्ष रिजाइन नहीं कर रहे, पर महिंदा राजपक्ष ने प्रोटेस्ट के कारण रिजाइन कर दिया
एंड कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का लीडर प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्ष के अंडर काम करना नहीं चाहता, तो इसीलिए मिस्टर विक्रम सिंघे के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई. द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट एंडेड विद द 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन व्हेन इज यूनाइटेड नेशनल पार्टी वन नो सीट्स एंड ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स lone member in parliament on the principle of representation in proportion of the total votes it had received across the nation. तो 2020 में जो श्रीलंका में इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें उनकी पार्टी विक्रम सिंघे की पार्टी ने कोई भी वोट्स नहीं जीते थे, कोई भी सीट्स नहीं एक्सेप्ट हिम. तो सिर्फ विक्रम सिंघे की सीट थी पार्लियामेंट में, बाकी कोई भी उनकी पार्टी से नहीं जीता. और वहाँ कौन सा वोटिंग सिस्टम है तो आपको कभी पूछेंगे तो ये आप के पास है जानकारी. प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू द टोटल वोट्स इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन. तो पूरे नेशन में से उनको उनकी पार्टी को कितने वोट्स मिले और उनको कितने वोट्स मिले वो प्रपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करना है. और उस हिसाब से विक्रम सिंघे के पास ही सिर्फ पार्लियामेंट में एक सीट है. मच ऑफ द यूएनपी मतलब यूनाइटेड नेशनल पार्टी विक्रम सिंघे की पार्टी, मच ऑफ द यूएनपी सपोर्ट बेस हैज़ ऑल्सो गॉन विद सजीत प्रेमदासा हिज अर्स्टवाइल पार्टी क्लीग हु नाउ रन्स द मेन ऑपोजिशन पार्टी द समागी जन बलवेगिया. तो बहुत सारे यूएनपी का सपोर्ट एक जो कलीग थे विक्रम सिंघे के उनके पास उनको भी दिया गया था, दैट इज़ सजीत प्रेमदासा. बट अभी तो वो एक ऑपोजिशन पार्टी दूसरी पार्टी चला रहे हैं समागी जन बलवेगिया. सो मिस्टर विक्रम सिंघे फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन राइट नाउ एज ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स ऑफ द श्रीलंका पोडुजना पेरमुना द पार्टी ऑफ द राजपक्षस दैट इज द टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर. तो अभी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में है मिस्टर विक्रम सिंघे क्योंकि वो लॉ मेकर्स पे डिपेंडेंट है श्रीलंका के ओदुजमा पेरमुना पार्टी मतलब राजपक्ष गवर्नमेंट राजपक्ष ब्रदर्स वाली पार्टी. तो पूरे लॉ मेकर्स जो है पार्लियामेंट में उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सॉरी पार्लियामेंट में वो हैं सारे SLPP के मतलब राजपक्ष पार्टी वाले हैं. उनके साथ मिलकर भी विक्रम सिंघे को काम करना पड़ेगा जो पार्टी को ऑलरेडी पब्लिक एंगर फेस करना पड़ रहा है. तो द SJP हैज़ ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट टू मेजर्स एम्ड एट इकोनॉमिक रिकवरी. और SJP जो है सजीत प्रेमदासा की पार्टी समागी जन बलवेगिया उन्होंने भी सपोर्ट ऑफर किया है कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे हेल्प करेंगे आपको. मिस्टर विक्रम सिंघे ब्रस्ट शाही साइड अ क्वेश्चन ऑन वेदर ही हैड द मॉरल अथॉरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस कंटेनिंग दैट सिचुएशन वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंस्टन चर्चिल बिकमिंग PM विद जस्ट 4 मेंबर्स सपोर्टिंग हिम टू सेव ऑफ क्राइसिस. तो विक्रम सिंघे ने ये क्वेश्चन तो साइड में ही रख दिया है क्या उनकी मॉरल अथॉरिटी है टू होल्ड ऑफ हिज ऑफिस, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनकी सिस्टर उनकी जो सिचुएशन है अभी फ़िलहाल इट्स जस्ट लाइक विंस्टन चर्चिल जो जब भी PM बने उनके पास सिर्फ 4 मेंबर्स का ही सपोर्ट था क्राइसिस हटाने के लिए. सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल मोरालिटी ऑन हिज ऑफिस अज्यूमिंग ऑफिस देयर सम जस्टिफिकेशन फॉर पॉपुलर रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिजाइन. सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनकी पॉलिटिकल मोरालिटी पे कि क्यों उन्होंने ये ऑफिस ये टाइम पे अज्यूम की. ये पब्लिक पॉलिटिकल मोरालिटी पे बहुत क्वेश्चन उठ रहा है. सो देयर इज सम जस्टिफिकेशन फॉर पॉपुलर स्टेटमेंट रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम. तो उनके पास ये जस्टिफिकेशन है कि उनके अगेंस्ट एक पॉपुलर रिसेंटमेंट रहा है फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिजाइन. तो बेसिकली जिस तरीके से राजपक्ष गवर्नमेंट को लोग नहीं चाहते हैं प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि निकल जाए तो कहीं ना कहीं विक्रम सिंघे ये PM बन के गोताबाया राजपक्ष को एज ए प्रेसिडेंट निकलने के लिए कन्विंस कर सकते हैं प्रेशर बना सकते हैं.
However, the need to have a viable arrangement to tackle the economic crisis is quite urgent. बट एक वायबल अरेंजमेंट करना ये इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ही हैज़ स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम टू इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द शॉर्टेज स्ट्रिकन कंट्री. तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम को साथ में ला के फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगे ये वो चाहते हैं. इज ओनली स्ट्रेंथ नाउ इज द गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो उनकी स्ट्रेंथ यही है कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी गुडविल है. विथ सॉलिडली बैक्ड हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड डेवलपमेंट इन श्रीलंका इन 2001 and 2. सो जब भी 2001-2 में श्रीलंका में वो डेवलपमेंट ला रहे थे मिस्टर विक्रम सिंघे, तो उनके उनको कैसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिला था. व्हेन ही नेगोशिएटेड अ सीज फायर अग्रीमेंट विद द LTTE, तो LTTE जो एक टेररिस्ट ग्रुप जैसी है उसके साथ भी कैसे सीज फायर अग्रीमेंट नेगोशिएट किया था. तो पास्ट में ही सारी एंड डायरेक्ट टॉक्स भी किए थे. तो पास्ट में ये सारी चीज़ विक्रम सिंघे जी कर चुके हैं, तो उनका वो गुडविल ही शायद काम करेगा अभी. दिस टॉक ऑफ स्पीडिंग अप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इवन टू द पॉइंट ऑफ अबॉलिशिंग द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थ्रू अ फास्ट ट्रैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उनको लाने होंगे इवन टू द पॉइंट ऑफ अबॉलिशिंग द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थ्रू अ फास्ट ट्रैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फास्ट ट्रैक पर लाना पड़ेगा और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने में एग्जीक्यूटिव की प्रेसिडेंसी बेसिकली प्रेसिडेंट के पावर्स कम करने होंगे अगर गोतबे राजपक्ष उनकी प्लेस नहीं छोड़ रहे स्पेस. ये सच स्पेकुलेशन अबाउट फार रीचिंग चेंजेस डज नॉट रिक्वायर कॉन्फिडेंस एज मैनी सच अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट हैड बीन स्क्वांडर्ड. तो ऐसा जो स्पेकुलेशन अबाउट चेंजिंग इट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस. वैसे तो कि बहुत सारे चेंजेस लाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस इससे इंस्पायर नहीं होता है जिस तरीके से पास्ट में सारी अपॉर्चुनिटी को स्क्वांडर कर दिया गया. मिस्टर विक्रम सिंघे हैज़ द एडिशनल बर्डन ऑफ प्रूविंग टू हिज डिस्ट्रैक्टर्स दैट ही इज़ वर्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी एंड नॉट फॉर रिवाइविंग द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ द राजपक्ष. तो विक्रम सिंघे ऑलरेडी इलेक्शन में उनको कुछ ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, तो ये अभी उनके पास प्रूव करने का टाइम है कि उनके डिट्रैक्टर्स को दैट कैसे ही इज़ वर्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी एंड ना के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स राजपक्ष ब्रदर्स का बढ़ाने के लिए. तो मिस्टर विक्रम सिंघे को वो दिखाना होगा किस तरीके से वो इकोनॉमिक रिकवरी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला रहा है कंट्री में. ओके आज क्या बात है, किसी ने मॉर्निंग विश नहीं किया है. मेरे चैट में क्यों दिख नहीं रही है किसी की कमेंट. तो ये हुआ हमारा एडिटोरियल पेज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट देखेंगे क्या और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. टेक्स्ट एंड कंटेंट में मैं चाहती हूँ तुम लोग ये चीज़ रीड करना. रेपो रेट इन इंडिया पूरी जानकारी दी है कैसे RBI का जो रेपो रेट होता है. आई थिंक आप लोग अपने जूनियर कॉलेज में भी ये पढ़े होंगे बट फिर भी इसकी सारी जानकारी इधर अच्छे से दी है. मस्ट रीड. हाँ मैं बोलूँगी रीड करना ज़रूर कि कैसे रेपो रेट वर्क करता है, कैसे वो कंट्री की इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकता है एंड कैसे उसकी एफिकेसी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है उनकी एफिकेसी रेपो रेट की चेंज होना, कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करता है. तो रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में आई विश एंड आई होप आप लोग पूरा सारा पढ़ो, ये जानकारी काफ़ी हेल्प करेगी आपको. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. SCO मतलब क्या गाइस,
शांघाई कोऑपरेशन, सो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए, टेरर को ख़त्म करने के लिए इसकी मीटिंग हो रही है। बेसिकली अफगानिस्तान से टेरर का बहुत डर है सबको, और पाकिस्तान में भी चल ही रहा है वैसे तो। तो SCO का जो टेरर मीट है इट स्टार्ट्स, ऑफिशियल्स फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया दे आर इन दिल्ली राइट नाउ। तो पाकिस्तान, रशिया, चाइना और इंडिया सबको अफगानिस्तान प्रॉब्लम कर सकता है, जिस तरीके से तालिबानीज़ ने पूरा कैप्चर कर रखा है अफगानिस्तान। तो SCO टेरर मीट इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है दिल्ली में। ये SCO टेरर मीट स्टार्ट हो चुका है चाइना से, पाकिस्तान और रशिया से, सारे जगह से दिल्ली में आ चुके हैं इनके ऑफिशियल्स, ठीक है। थोड़ा अंदर से डिटेल में भी कर लो, काउंटर टेरर ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड ये वाले प्रेसिडेंट दिखाया है, बट जिनपिंग नहीं आया अभी फ़िलहाल, टेरर ऑफिशियल्स ही आए हैं पाकिस्तान, रशिया और चाइना से एंड फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। दे मेट इन दिल्ली ऑन मंडे एट द स्टार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर टॉक्स। ऐसा इवेंट पहली बार इंडिया में हो रहा है रशिया की इन्वेजन के बाद, यूक्रेन के, रशिया ने जो इन्वेजन किया यूक्रेन में, यूक्रेन में, उसके बाद पहली बार कोई ऐसा मीटिंग इंटरनेशनल लेवल का इंडिया में हो रहा है, जिससे खुद रशिया वाले भी आने वाले हैं। तो ये वाली एक न्यूज़ हाईलाइट के साथ आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन, मैंने जितना हाईलाइट कर रखा है उसके साथ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया, कम्यूट कर दिया मतलब कम कर दिया, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ कोई भी केस में क्यों डेथ पेनल्टी देना, ये अगर कन्विंस्ड है सुप्रीम कोर्ट तो ही डेथ पेनल्टी देंगे। तो वन ऑफ द रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया, मतलब कम कर दिया पनिशमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि क्राइम शुड बी ऑफ अ नेचर दैट लीव्स कोर्ट विद द ओपिनियन दैट लाइफ सेंटेंस विल बी इनएडिक्वेट। तो अगर ऐसा केस है और ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे ऐसा लगेगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी सफिशिएंट नहीं है, इसको इससे ज़्यादा पनिशमेंट देना चाहिए, तभी जाके डेथ पेनल्टी देना है, अदरवाइज तब तक नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये वाला एक ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मैंने जितना हाईलाइट किया रखा है वो ही। स्टार मार्क करियो, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, लिखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे वर्ल्ड न्यूज़ में, देखिए टर्की ने, इर्डोगन ने वंस अगेन दूसरी बार ये उनका स्टैंड क्लियर किया है टर्की का, कि हम लोग फिनलैंड या स्वीडन किसी को भी नाटो ज्वाइन करने में बैक नहीं करेंगे, वी विल नॉट सपोर्ट देम टू ज्वाइन नाटो। प्रेसिडेंट रिकैप टाइप इर्डोगन ने खास दूसरी बार क्लैरिफिकेशन किया कि टर्की है साथ नहीं देने वाला इसमें। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे ज्वाइन, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि यूनानिमस वोटिंग हो, पूरा 100% सबका ही वोटिंग चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज France is set to get its first women PM in 3 decades. Bonn was serving as labor minister. So, France is like all set. Appoint nahi hua hai abhi tak. But French President Emmanuel Macron, jo appoint ho chuke again once again, unhone Monday ko unki pehle ki jo labor minister thi, Elizabeth Bonn, unko as a prime minister candidate नेम किया है, नाम दिया है उनका टू लीड हिज एम्बिशियस रिफॉर्म प्लान्स. द फर्स्ट विमेन टू हेड द फ्रेंच गवर्नमेंट इन ओवर 30 ईयर्स. तो फ्रांस में 30 साल से कोई विमेन पीएम नहीं रही है, तो ये पहला इंस्टेंस होगा 30 ईयर्स में इस विमेन पीएम का. तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना है इम्पॉर्टेंट. तो ये चीज़ हो चुकी है. आगे बिजनेस और स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ खास तो है नहीं. थॉमस कप जीत के आए जिस तरीके से, इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर द कंट्री. तो ये तो याद रखना जो मैंने कल की न्यूज़पेपर में आपको लिखा दिया था ये चीज़, राइट गाइज. तो ऑलमोस्ट आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुके हैं. आप लोग की कमेंट्स देख लेती हूँ. हाय कांशा, वेरी गुड मॉर्निंग. हाय सोनल, सोनल आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क ऑल दिस. मुझे नहीं पता है एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में. आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर यू. सो एनी मोर क्वेश्चंस? क्या आप लोगों को कुछ और पूछना है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, एनीथिंग रिगार्डिंग क्लैट? I'm giving you 2 minutes time. If you want to ask anything, you guys can go ahead and ask me. And अगर session अच्छा लगा है तो जिसने भी like button अभी तक hit नहीं किया है ज़रूर like button hit कर लीजिए. Comment करके बताइए कि कैसा लगा है session. Subscribe कर लो हमारी channel को so that आपको रोज़ notification आ जाए और session miss ना हो. And also please share about the class, okay? जितना हो सके ये क्लास के बारे में शेयर कीजिए. No questions guys, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना आप लोगों को. Alright, then I will end the session and I hope this session was helpful to everyone. Thank you so much. Bye-bye guys.